यानी रोल अब आपको एज्यूम करना है अपनी लाइफ में, एंड दैट इज रोल्स में खुद को डालना पड़ता है। कुछ लोगों को पढ़ाई छड़ाई छोड़ के पास बटाना पड़ता है, उनके माँ बाप को लगता है कि बस पढ़ाई 12वीं तक पढ़ लिया अब हो गया, अब जी बच्चे को फैमिली हर एक को चैलेंज है। सेमेस्टर सिस्टम है तो अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ नहीं तो एंड कहाँ से पहुंच गया वो पता नहीं, ठीक वो एक प्रसर अभी जगह है। उसके साथ उसको कम्प्लीट करने में किसी की गहरा इशू चाहिए, या कई बार ऐसा हो जाता है कि बंदे ने कोई कोर्स चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस करने के लिए बांग्लादेश चला गया, उसके बाद डाउन द लाइन एक साल के बाद पता चला कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। जी आज का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहारा से यहाँ पे मुनक्किद हुआ था, यहाँ की इस प्लेटफॉर्म से मुनक्किद हुआ था, इसका मकसद ये था कि हम यूथ यानी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तक पहुँचें और हम अवेयरनेस बिल्ड करें हमारी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ को लेकर, और उनके साथ बात करें इस चीज़ पे कि मेंटल हेल्थ नीड्स को कैटर करना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करने में उनकी हेल्प करें कि वेरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या डेवलप हो सकते हैं यानी इस पॉपुलेशन में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पॉपुलेशन में, और उनका तदारुक कैसे किया जा सकता है। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी आज इंटरेक्ट किया और उनको कुछ सजेशंस दी प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी, तो हम यही चाहते हैं कि लोग जो हैं यूथ जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि अगर उनकी कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई नीड है तो उसको कैटर करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ताकि अगर उनमें कोई ऐसा इशू डेवलप हो रहा है तो उसको अवलीन यानी इन द वेरी अर्ली स्टेज ही अगर कैटर किया जाए तो यानी वो संगीन होने से रुक सकता है। तो सर देखिए हमारी वादी में जो पिछले 30 साल का पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है और उसके बाद बहुत सारे और भी इश्यूज हो गए, 14 के फ्लड्स हो गए, 16 का जो अनफॉर्चुनेट एक टर्मोइल पैदा हुआ, एक साल तक हम उसमें जूझते रहे या आधे साल तक, और उसके साथ साथ फिर कोविड में भी जो बच्ची कुछ कसर थी उसको पूरा किया, यानी कि लोगों को खासतौर पर यूथ को जहनी तौर पर यानी काफ़ी डिस्टर्ब किया, तो इस सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि यूथ जो है वो मुख्तलिफ जो है जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं या वनरेबल हो चुके हैं, जिनमें खसूसतन एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन हो या ओसीडी हो या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ जैसा मर्ज भी जो है यूथ में पाया जाता है, तो इसको कैटर करने के लिए ही हम अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। तो आप तक हम यही ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के सिलसिले में कि जो है आप अपनी जहनी सेहत का वैसा ही ख्याल रखें जैसा आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। हमारी यूथ काफ़ी यानी जिम और यानी अपनी बॉडी की शेप देनी है और उसको एक्सरसाइज करना है, उसको फिट रखना है, जितना वो एम्फेसिस यानी फिजिकल वेलबींग पर होता है हमारे यूथ का, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ वेलबींग पर भी एक एम्फेसिस हो, तो इस सिलसिले में अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर, और उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर काम करें ताकि कोई भी जहनी मर्ज आपकी ज़िंदगी को तबाह और ख़राब ना करें।